नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं सरकारी जमाई। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है जिन लोगों को अभी तक राशन नहीं मिल पा रहा है, जो किराए पर रह रहे हैं और किसी भी तरह का उनके पास में राशन कार्ड नहीं है। वो किस तरह से राशन ले सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, तो उनके लिए काफ़ी खास वीडियो होने वाली, क्योंकि आने वाले 3 महीने तक के लिए उनको किस तरह से राशन मिलेगा उस चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग अभी तक राशन नहीं ले पाए हैं और उनको पता नहीं है किस तरह से अप्लाई करके राशन लेना है। आपको ऑनलाइन खुद ही अप्लाई करके खुद ही आप राशन के लिए एक स्लिप जनरेट कर सकते हैं जिससे आपको राशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको करना क्या है, आपको दिल्ली की मेन वेबसाइट delhi.gov.in पर जा कर के आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे जैसे आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए, आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। इसमें LGCM दिल्ली रिलीफ फंड के ऑप्शन दिया हुआ है, दिल्ली कोरोना रिलीफ के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई फॉर टेम्परेरी राशन कूपन जिसके द्वारा आपको राशन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या क्या करना है, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में देता चलूँगा। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ को देखते रहिएगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में आपको इसके लिए करना क्या है मैं आपको यहाँ से बता दूँ। देखिए, मेन वेब इसका ई कूपन राशन कैसे प्राप्त करें वो लिखा जाएगा। इसमें मोबाइल के लिए OTP जनरेट होगा, फिर उसके बाद में अपने परिवार के सदस्यों का विवरण डालना है आधार नंबर के साथ में। परिवार के मुखिया जो भी है उसका आपको फ़ोटो लगाना है, उसका आधार कार्ड की डिटेल देनी है, सब चीज़ उसी के द्वारा ही होगी। चलिए बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। मैं इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ, टू कंटिन्यू क्लिक हेयर। यहाँ मुझसे कहते हैं कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ। जैसे ही उसके अंदर आप मोबाइल नंबर अपना एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में आपको एक 6 डिजिट का कोड रिसीव होगा आपके मोबाइल पर, वो आपको इसके अंदर एंटर करना है। जैसे आप इसके लिए एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में ये सीधा आपको दिखाएगा नो एप्लीकेशन सबमिटेड येट। आपको करना क्या है, सबमिट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर इसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है, आपका हेड ऑफ द फैमिली का नाम डालना है, उनकी एज डालनी है, उसके बाद में आपसे जो बाकी चीज़ें हैं उनकी डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी। नाम डालना है, एज डालनी है, इसके बाद में आपको यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हेड बना रहे हैं उनको मेल पे क्लिक करना है, जो फीमेल के लिए हेड बना रहे हैं उनको फीमेल पे क्लिक करना है। याद रहे, जिनका आपके पास में आधार कार्ड हो और वैलिड आधार हो उनका ही आपको इसमें एंट्री करनी है। उन इसके बाद में आपको सदस्यों की डिटेल डालनी है, सदस्य की जितने सदस्य हैं आपको उतनी डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे 4 सदस्यों के लिए इसमें डिटेल ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है, इसमें और सदस्यों के नाम ऐड करने थे, और सदस्य जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद में और सदस्य के नाम भी इसमें जोड़ पाएंगे। इसमें आपको विधानसभा दिया हुआ है, जो आपकी विधानसभा लगती है, आपको जो भी लगती है, जैसे हमारे यहाँ की गोकुलपुर लगती है, तो मैं अपने यहाँ की गोकुलपुर डाल देता हूँ। इसके बाद में अपना हाउस नंबर डालना है, गली नंबर डालना है, लोकलिटी डालनी है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपको उसको एंट्री करने के बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको जैसे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज रिडायरेक्ट करेंगे, उसमें जाकर के आपको फैमिली का जो हेड होगा उनका आधार को आपको स्कैन या उनकी फ़ोटो को क्लिक करने के बाद में इस पर अपलोड करना है, और ऑप्शनल है उनका वोटर आईडी भी डाल सकते हैं और फैमिली की फ़ोटो भी एक साथ लगा करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये टेम्परेरी आपका राशन कार्ड बन रहा है, इसी की बेस पर आपके आगे भी राशन कार्ड बन जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अगर किस तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे नंबर पे कॉल करके या मुझसे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।